अजीत अंजुम को बेइज्जत कर सड़क पर दौड़ा दिया गया। गाड़ी लेकर चुपचाप भाग गए अजीत। देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सनातन की बात करते हैं और डंके की चोट पर इसे आगे बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना सही समझते हैं। 2014 के बाद से इन दोनों ही विचारधाराओं का विस्तार तेजी से हुआ। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो पत्रकार भी निष्पक्ष नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट विंग की श्रेणी में आने लगे हैं। इसी कड़ी में जब जब जिक्र जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम का होता है तो उन्हें लेफ्ट विंग की तरफ रख दिया जाता है। कारण, उनका बार बार लगातार मोदी सरकार को ट्रोल करना, उनके फैसलों पर सवाल उठाना, उनकी नीतियों में कमी निकालना, यहाँ तक कि सरकार के किसी भी सही फैसले का भी विरोध करना। और ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, उनका एक्स हैंडल, उनका यूट्यूब या फिर उनका फेसबुक कुछ भी उठाकर देख लीजिए, उनकी विचारधारा साफ दिख जाएगी। लेकिन इस विचारधारा का खामियाजा उन्हें सड़क पर भुगतना पड़ जाता है। एसी कमरों में बैठकर या फूलों से सजे बगीचों में बैठकर सरकार को कोसना आसान है। जब यही पत्रकार जमीन पर उतरते हैं ना, तो फिर देखिए इन्हें कैसे दौड़ा दिया जाता है। आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? वीडियो में दिख रहे शख्स अजीत अंजुम चाय पकौड़ी खाने के लिए एक दुकान पर रुके थे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें गाड़ी लेकर वहां से दौड़ना पड़ गया। इस वीडियो को अगर आप आगे सुनेंगे तो पाएंगे कि लोग उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि कितना पैसा मिला था बेटी को बदनाम करने के लिए, जबकि अजीत उन सबको आसाराम के चेले बताते हुए नजर आए। इसी वीडियो को रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने शेयर करते हुए लिखा, स्थानीय पत्रकार ने चाय पकौड़ी खाने को रुके नफरती यूट्यूबर की हुर हुर कर दी, दुखती रग पर हाथ रख दिया। कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? नफरत बोगे तो नफरत ही तो मिलेगी मेरे भाई, लेकिन अफसोस है इतना नहीं रपटाना चाहिए था, चाय पकौड़ी तो खा लेने देते, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इनकी मजबूरी भी समझनी चाहिए, यूट्यूब के टुकड़ों में मोदी नफरत से ही तो परिवार का पेट भरता है। खैर, जरा आप भी देखिए किस तरह से स्थानीय पत्रकार के साथ साथ आम जनता ने अजीत को भगाया। आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? आपको कितना पैसा मिला था लड़की को बदनाम करने के लिए? अजीत अंजुम की बीच सड़क पर ऐसी धज्जियां उड़ी तो फिर कुछ लोग आ गए उनके समर्थन में, लेकिन सड़क पर नहीं, सोशल मीडिया पर, जिसका कोई फायदा नहीं है। खैर, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और अजीत जैसे पत्रकारों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।